हेलो जी, राम राम जी। सभी के आज हम आपके साथ शेयर करेंगे छोटे बच्चे के लिए बनियान। चल देखते हैं। लंबाई हमने ली है 23.5 इंच। तैयार रख करेंगे हम इसको 20 या 21 इंच। दो फोल्ड नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। और चौड़ाई हमने ली है इसकी 15.5 इंच। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हम लगाएंगे तीरे के लिए निशान। जितनी हमारी चौड़ाई है, हमारी चौड़ाई ये 16 का 32 का हम फोर्थ भाग करेंगे। 8 दूनी 16, 16 तो हमारा ये 8 आ जाएगा। इधर 8 इंच पर हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसका आधा, ये जो हमारा 8 इंच पर हमने निशान लगाया है, इसको हाफ करेंगे और 4 इंच इधर तीरे पर निशान लगा देंगे। ये जो हमारा कंधा बोलते हैं, तीरा बोलते हैं इसको, 4 इंच पर ऐसे तो ऐसे सीधा कर लेंगे और ऐसे मिला देंगे। इसको आधा या 1/4 इंच इधर ऐसे इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे कर देंगे। अब हमने 4 इंच लिया है, इसका आधा आधा करेंगे। ऊपर हम गले के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर और लंबाई भी हम 2 इंच रखेंगे और इसको ऐसे शेप दे देंगे। इसको ऐसे शेप दे देंगे। और आगे वाले गले के लिए हम निशान लगाएंगे। हमारा 8 इंच है, इससे 1 इंच कम, 7 इंच पर हम आगे वाले गले पर निशान लगाएंगे ऐसे। और इसको भी हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। अब इधर से ऐसे थोड़ा राउंड शेप दे देंगे, इधर से कटिंग कर देंगे। पहले ये वाला कट करेंगे, आपको करके दिखाते हैं। अंदर वाला पार्ट है, इसको ऐसे निकाल देंगे और इसको, ये जो आगे वाला पार्ट है, और इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। और ये देखिए, पीछे वाला अब हम इसकी सिलाई करते हैं। इस कपड़े से हम 2-2 इंच का उरे पट्टी कट कर लेंगे। देखिए, इधर से 2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इधर भी 2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और सीधा सीधा निशानों को सीधा सीधा कर लेंगे और 2-2 इंच का हमने इधर ये पट्टी कट कर लेंगे। ये हम इधर इधर फोल्ड करने के लिए और अपने गले में फोल्ड करने के लिए ये वाली पट्टी काट लेंगे, जितना हमें इसमें लगेगा उतना, 2-2 इंच का। इधर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, नीचे तक, पूरा नीचे तक, और ये कंधे ये ज्वाइंट कर लेंगे। सिलाई लगा लिए दोनों तरफ और ये नीचे भी फोल्ड कर लिया है और ये कंधे भी फोल्ड कर लिए हैं। अब हम यहाँ जो उरे पट्टी हमने कट करी थी वो गले पर और इधर साइड में उनको अटैच करेंगे, आपको दिखाते हैं। इस पट्टी को ऐसे हम फोल्ड करेंगे और उल्टी तरफ ऐसे रखेंगे और ऐसे गोल गोल करके पूरा इधर तक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये पट्टी अटैच कर ली है। अब बनियान की सीधी साइड करेंगे
और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे, देखिए सीधा करेंगे और इसको ऐसे ऐसे बाहर की तरफ इस पर सिलाई लगा देंगे, ऐसे मस्त सिलाई लगा देंगे फोल्ड करते हुए। सेम कपड़ा सेम फोल्ड करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया, आप इसको अंदर की साइड भी फोल्ड कर सकते हो और बाहर की तरफ भी, मैंने ये बाहर की तरफ फोल्ड किया है। तो अब हम ऐसे ही कपड़ा रखेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे आर्म होल पर, इधर है दोनों तरफ करके दिखाते हैं। फिर हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है, ये हमारी इस तरह से बन करके रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको इनर के कपड़े से बना सकते हो, ये साइड से थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है, थोड़े कपड़े में बहुत कम कपड़े में बन जाती है। ये मैंने 7 साल के बच्चे के लिए बनाई है। ये देखिए हमने 7 साल का लड़का है, इसके लिए ये दुर्गा बनियान रेडी की है।